हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लान। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो मैं सेशन रखने वाली हूँ, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑल 10 यूनिट। ठीक है, बेसिकली मैंने 2020 का पेपर यहाँ पे निकाला है, और जिसमें मिक्स यूनिट को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। मिक्स यूनिट के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड ये रिकॉर्डेड सेशन रहने वाला है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया है कि कुछ दिनों के लिए आपके रिकॉर्डेड सेशन ही मैं लूंगी, और जो भी लाइव सेशन होंगे वो आफ्टर 6 जून। ठीक है, 6 जून, या फिर जो भी जितना जल्दी हमारे यहाँ ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉइज वाला जो चीज़ें हैं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड आप लोगों का लाइव सेशन लूंगी। एंड एक इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए कि 28 मई और 30 मई, ठीक है, 28 मई और 30 मई, ये दो डेट हैं जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा? मॉक टेस्ट होगा। और ये मॉक टेस्ट मैं थोड़ा सा, अब जैसे भी होता है, जैसे दिन का जो टाइम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज रहता है, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मैं शाम के टाइम पे ही मॉक टेस्ट लाइव ले पाऊंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड अपलोड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसलिए मैं लाइव लूंगी, बट वो शाम में होगा। तो ये मॉक टेस्ट जो होगा ये पेपर 2 का होगा। ठीक है, मैं आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, जैसे आज 21 है तो एक हफ्ते का टाइम है आपके पास। और ये जो 30 मई को होगा मॉक टेस्ट, ये पेपर 1 का होगा। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट रहने वाला है आपका। ऑलरेडी मैंने और भी कई सारे मॉक टेस्ट ले रखे हुए हैं, तो अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस मॉक टेस्ट को नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसे अटेम्प्ट करिए, एंड कोशिश करिएगा कि एक टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए और उसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में आप 2 घंटे दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक टाइम लिमिट वहां पे होनी चाहिए कि हाँ, मुझे 1 से 1.25 घंटे में इतने 75 क्वेश्चन या फिर 80 क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, तो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो ये चीज ध्यान में रखेंगे। राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका है यूनिट 4 का। यूनिट 4 मतलब पेपर 2 में है आपका यूनिट 4, टीचर एजुकेशन। ठीक है, उसका क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफलाइन सो दैट लर्नर कैन एसेस द कंटेंट एनी टाइम बिफोर द क्लास स्टार्ट एंड कैन राइट डाउन देयर क्वेश्चंस प्रॉब्लम विच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्लासरूम इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है, जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम ऑफलाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ऑफलाइन हम क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस मटेरियल को, और लर्नर के क्लास में आने से पहले हम पहले ही ऑफलाइन उस चीजों को, उन क्वेश्चंस को या फिर प्रॉब्लम को बच्चों को दे देते हैं। तो ये कौन सा मेथड होता है? फ्लिप क्लासरूम होता है, वर्चुअल होता है, गूगल क्लासरूम होता है, या फिर ट्रेडिशनल होता है। मतलब क्या है, बच्चों को पहले ही ऑफलाइन आप क्या कर देते हो, वो मटेरियल प्रेजेंट कर देते हो बिफोर कमिंग इनटू द क्लासरूम। ठीक है, बिफोर कमिंग क्लास में आने से पहले ही ऐसा होता है कि नहीं, कि बच्चों को आपने क्या किया, एक दिन पहले ही बता दिया कि आपको ये मटेरियल घर से पढ़ के आना है और ये वाला टॉपिक में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट डे क्लास में उसको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा क्लासरूम होगा आपका? वर्चुअल क्लासरूम होगा, है ना, वर्चुअल क्लासरूम होगा, गूगल क्लासरूम होगा, फ्लिप क्लासरूम होगा, या फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम होगा। किस तरीके का क्लासरूम ये हो जाता है? तो ये जो क्लासरूम होता है, ये होता है आपका फ्लिप क्लासरूम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, और बच्चों को पहले से ही मटेरियल को प्रोवाइड करा देते हैं क्लास में आने से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट हियर। जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोफेशनल ग्रोथ, ध्यान रखना, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर, जो स्कूल की स्कूल टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है? आपका NAC होता है, CSIR होता है, NCERT होता है, AMMRC होता है,
कौन सा होता है। तो जब भी हम प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर की बात करते हैं, ठीक है, स्कूल टीचर की यहाँ पे बात की जा रही है, टीचर एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल टीचर की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनसीईआरटी हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी चीजें दे रखी हैं चारों ऑप्शन, इन सब के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे ये वाला है, ये क्या है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। 1961 में एज अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, उसके बाद इसको स्टैटुटरी स्टेटस मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब फिर सी एस आई आर क्या है, सी एस आई आर क्या है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। फुल फॉर्म जो मैं बोल रही हूँ कॉपी में प्लीज नोट डाउन करिएगा, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। नैक का काम क्या होता है, एग्रीगेट करना, जैसे, अच्छा हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है इसे बोलते हैं कटिंग एज भी, इसे क्या बोला जाता है, एक नाम और लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज द कटिंग एज आर एंड डी, ठीक है। नॉलेज बेस इन डाइवर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एरियाज होती हैं, ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, सी एस आई आर, मतलब सी एस आई आर में वो रिसर्च की जाती है। यहाँ पे नैक की बात करते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, सभी को पता है, ठीक है, ये भी एक ऑटोनोमस अनस्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, ये एग्रीडेशन का देने का काम करती है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिसेज रिलेटेड क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन। अब टीचर इवैल्यूएशन में, ठीक है, जो प्रिसेज होता है, प्रिसेज रिलेटेड क्राइटेरिया आपका कौन सा हो जाता है, टीचर इवैल्यूएशन में प्रिसेज रिलेटेड जो क्राइटेरिया होता है वो कौन सा हो जाता है, ये चीज आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रिसेज रिलेटेड, ध्यान देना, प्रोडक्ट और प्रोसेस की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, प्रिसेज रिलेटेड जो क्राइटेरिया होता है वो क्या हो जाता है। जब हम प्रिसेज की जब भी बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, प्रिसेज का मतलब होता है टीचर्स की पर्सनालिटी, प्रिसेज का मतलब क्या है, उनकी जो पर्सनालिटी का पैटर्न है, ठीक है, उनका जो मोटिवेशनल डिस्पोजिशन होता है वो हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो होगा फॉर श्योर, ऑप्शन ए कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, बट हम आगे भी चेक कर लेते हैं। डी में क्या बोला, सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है, मतलब टीचर से रिलेटेड, टीचर की पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, उसके ट्रेड से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, तो टीचर का जो सोशल कॉम्पिटेंस है, उसका जो सेल्फ एस्टीम है, वो भी आपके प्रिसीज रिलेटेड रिलेटेड क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। तो ए एंड डी शुड बी द राइट है, ए एंड डी द शुड बी द राइट है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, टीचर का मैथड ऑफ प्रोवाइडिंग द फीडबैक, किस मैथड से वो फीडबैक को प्रोवाइड कर रहा है, कैसे फॉलोअप ले रहा है, कैसे जब भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो फॉलोअप के सेशंस वो कंडक्ट कर पा रहा है, तो ये प्रोसेस के अंदर आता है। एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन इंश्योर्ड बाय द टीचर व्हाइल द टीचिंग, ये आपके प्रोडक्ट में आ जाता है। मैनेजमेंट एंड मेंटोरिंग, ये भी आपके किस में आता है, प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट एप्रोप्रिएट। अगर आपको डिस्क्राइब करना है टीचिंग को एज अ प्रोफेशन, टीचिंग को क्या कैसा डिस्क्राइब करना है, एज अ प्रोफेशन अगर डिस्क्राइब करना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट हो गया। प्रोफेशन की बात की जा रही है ना, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, प्रोफेशन की बात की जा रही है, तो आप ट्रेनिंग, टीचिंग मींस एन एक्टिविटी एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग अदर, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आपका ये अप्रोच रहना चाहिए कि वहां पे नेगेटिव टर्म को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। टीचिंग का मतलब, टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए आप सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। सी को अगर आपने एलिमिनेट किया तो ये ऑप्शन गया आपका, अभी तो और रह गया, देख लेते हैं, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग आर द लाइक सेलिंग एंड बाइंग द ट्रांजेक्शन, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग जो होती है, शिक्षण और अधिग्रहण जो होता है, वो क्रय विक्रय में निहित लेन देन जैसा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो ई को भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। जब ई को एलिमिनेट कर दोगे और सी भी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ये नहीं अप्रोच होनी चाहिए कि एक एक ऑप्शन को आप पढ़ो फिर उसका उसको समझो, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हो टाइम बहुत कम है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो आपको अपनी अप्रोच पे भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे कीवर्ड से आप स्टेटमेंट को पकड़ो और फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इन सर्विस एजुकेशन. अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है. जब भी हम यहाँ पे टीचर एजुकेशन में बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, आपकी इन सर्विस एजुकेशन होती है और प्री सर्विस एजुकेशन होती है. अब यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट किसके लिए पूछ रहा है, इन सर्विस एजुकेशन के लिए पूछ रहा है. ठीक है, जब भी इन सर्विस की बात की जाती है तो इन सर्विस में क्या होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग, मतलब जब आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया हो उस दौरान जब आपको अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी स्किल्स को, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने का, एनहेंस करने का, अपग्रेड करने का मौका दिया जाता है, वो होता है आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन. इसके लिए कई सारे रिफ्रेशर्स कोर्सेज हैं, समर कोर्सेज हैं, कई सारी चीजें यहाँ पे चलाई जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप हटा सकते थे क्योंकि ये प्री सर्विस के अंदर आता है. जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं वो आपके, जो फाउंडेशन कोर्स क्या है, आपकी ये फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, ये सब चीजें है ना, सोशियोलॉजी है, तो ये तो फाउंडेशन कोर्स आपकी प्री सर्विस में आती है. स्किल डेवलपमेंट, यस स्किल डेवलपमेंट आपका जो होता है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर आता है. कोर्स ऑन पेडागोजी, ये भी प्री सर्विस के अंदर आता है. इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग हम किसको देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग किसको दी जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग तो इसके अंदर नहीं आएगी ना, बिकॉज ऑलरेडी एक सेकेंड, हाँ इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी बिकॉज आपको इन सर्विस की बात की जा रही है. ठीक है, एक मिनट, इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, जस्ट अ सेकेंड, इंडक्शन ट्रेनिंग होगा होगा होगा, रुको रुको, बी एंड ई, देखो बी और ई तो होगा, माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, बी और ई होगा, देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, बी और ई, बी और ई, बी ओ डी होगा. ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग होगा क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग आपको जो भी नए टीचर का रिक्रूटमेंट होता है तो उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उसको उससे उसको फैमिलियर कराया जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय द एनसीएफ 2005 फॉर द टीचर. अब एनसीएफ ने कौन कौन से ऐसे शिफ्ट दिए थे टीचर्स को लेकर के, टीचर्स के कॉन्टेक्ट में बात की जा रही है, करिकुलम के कॉन्टेक्ट में बात नहीं की जा रही है. जब भी हम टीचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि कौन से ऐसे सजेशंस थे जो एनसीएफ में दिए गए थे, तो नॉलेज डिस्पर्स करना, सॉरी नॉलेज डिस्पर्स टू नॉलेज ओन्ड, ठीक है, या फिर डिसिप्लिनरी टू मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस होना चाहिए, या फिर लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर्स डायरेक्शन, है ना, या फिर टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, या फिर फ्रॉम फोर वॉल ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम. तो क्या हो जाएगा आपका, चार दीवारी से बाहर. ठीक है, हमें क्या देनी है, एजुकेशन जो देनी है वो चार दीवारी से बाहर की देना है. ठीक है, उसके अलावा टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक जाना है, यस, हमें क्या करना है, जो हम जो भी हमारा एजुकेशन हो वो कैसा होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक की तरफ होना चाहिए, और डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरी पे फोकस करना है. लर्नर ऑटोनॉमी से टीचर डायरेक्शन पे नहीं जाना है, टीचर डायरेक्शन से लर्नर ऑटोनॉमी पे जाना है. नॉलेज को हमें डिसबर्स नहीं करना है, डिसबर्स नहीं करना है, नॉलेज डिसबर्स टू नॉलेज ओन्ड ऐसा नहीं करना है यहाँ पे. तो बी डी ई शुड बी द राइट हियर. ठीक है, बी डी ई शुड बी द राइट हियर. नेक्स्ट ऑन, अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शंस हैं, जैसे यूजीसी है, नैक है, केब है, एनसीटी है. अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, वहां पे मैंने आपको बताया कि नैक का काम क्या होता है, एग्रीडेशन देना. ठीक है, एक ही से बना सकते हो, एग्रीडेट करना. ठीक है, कीवर्ड को ढूंढो, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड को ढूंढना है, पूरा रीड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. एनसीटी का काम क्या होता है, टीचर एजुकेशन. ठीक है, रेगुलेट करना, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिलेटेड वो हो जाएगा. अब बी का फोर्थ देखो कहाँ पे आ रहा है, बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखो एक से ही बन गया. ये आपका प्रीवियस ईयर का 2020 का मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ले रही हूँ, जहाँ पे एक ही देखो ऑप्शन से बन गया. यहाँ पे यूजीसी का काम क्या है, मेंटेन करना, रेगुलेट करना, जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हों. ठीक है, केप का काम क्या होता है, फॉर्मुलेट करना, कौन सी जो भी न्यू पॉलिसीज और प्रोग्राम है आपके एजुकेशन से रिलेटेड. ठीक है, समझ में आए बात. नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है. मेमोरी लेवल में क्या होता है, हम सिस्टमैटिक और क्लियर प्रेजेंटेशन देते हैं. ठीक है, जहाँ पे रोट लर्निंग आती है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं. ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हैं. रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है. ऑटोनॉमस में होता है, जहाँ पे टीचर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, टीचर का यहाँ पे टीचर से रिलेटेड कोई भी स्कोप नहीं होता, बच्चे अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को खुद से ही डेवलप करते हैं. और एक तरीके से इसे नेगेटिव एजुकेशन भी कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहा भी जाता है. तो ये हो जाएगा ए का सेकंड आपका. ठीक है, समझ में आया. फिर अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा आपका,
इम्फेसिस करना पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल पे, मेमोरी लेवल क्लियर एंड सिस्टमैटिक, रिफ्लेक्टिव आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समझ में आया जो मैंने की। अब मैंने पूरे इसको पढ़ा नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि ऑटोनोमस में ये होना है, मेमोरी में ये होना है, अंडरस्टैंडिंग में ये होना है, रिफ्लेक्टिव में ये होना है, बस इसी से क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। ज्यादातर लेवल ऑफ जो टीचिंग के क्वेश्चन होंगे आपके ऐसे ही बन जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। डी का वन दो ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन देखो सी का थर्ड है ना, सी का थर्ड ये भी दो ऑप्शन में आ रहा है, ए का सेकेंड, ऑप्शन नंबर फोर शुड बी द राइट है, ऑप्शन नंबर फोर शुड बी द राइट है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। एजर्शन बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू मैच द टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टैब्लिश्ड कोड। जो क्वालिटी है, समझ रहे हो, मतलब क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, जो क्वालिटी होती है रिफ्लेक्शन की वो डिटरमाइन करती है, इट इज द एबिलिटी टू मैच द टीचिंग बिहेवियर, जो भी एस्टैब्लिश्ड कोड है। रीजन क्या बोलता है, इन टेक्निकल अप्रोच टू रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज इज रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड देन अप्लाइड टू द प्रैक्टिसेस, एंड देन अप्लाइड टू द प्रैक्टिसेस। तो दोनों ही यहाँ पे चीजें सही हैं, बट यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम टेक्निकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट दोनों ही यहाँ पे ट्रू है, दोनों ही यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो टू शुड बी द राइट है, टू शुड बी द राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, टू इम्प्रूव द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द एस्पिरेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन मे बी स्क्रीन फॉर देर एप्टीट्यूड इन टीचिंग। मतलब अगर हमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें क्या करना, बच्चों को स्क्रीनिंग करनी है, हमें क्या करनी है, बच्चों को एंट्रेंस देने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करो। स्टेटमेंट टू बोल रहा है फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर शुड बी रेगुलराइज टू इम्प्रूव द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब जो फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होते हैं टीचर्स के, वो कैसे होने चाहिए, रेगुलराइज वे में होने चाहिए। मतलब फैकल्टीज को भी फैकल्टीज की भी इंप्रूवमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो रेगुलर वे में ऑर्गेनाइज कराने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव द, देखो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है आपका, ठीक है, ये तो समझ में ही आ रहा है कि आजकल हो भी रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं आपके, बट यहाँ पे लिखा है फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर शुड बी रेगुलराइज्ड टू इम्प्रूव द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब हमें फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेके आने हैं टीचर्स के लिए, उसे रेगुलराइज करना है जिससे हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को प्रोग्राम को यहाँ पे सही कर पाए, नहीं ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री शुड बी द राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री शुड बी द राइट है। लेट मी जस्ट चेक कि आपका ये ओबीएस मतलब रिकॉर्डिंग चल भी रहा है या बंद हो गया है, चल रहा है नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना रिकॉर्डिंग में कोई होता तो है नहीं तो मैं बोलती चली जाऊँ बाद में रिकॉर्डिंग ना हो, है ना, कई बार ऐसे हो चुका है स्टार्टिंग डेज में मेरे साथ। चलो अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन है, मैंने मिक्स करके यहाँ पे डाले हुए आपके लिए क्वेश्चन। अब ये जो अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन किए वो किसके थे आपके, वो यूनिट फोर के थे, ठीक है। अभी ये कुछ एक आध क्वेश्चन है यूनिट टेन के हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिट टू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन यूएनसीआरपीडी यूएनसीआरपीडी रिपोर्ट द राइट टू एजुकेशन हैज बीन डिस्कस। अब किसकी बात की जा रही है, अब आर्टिकल्स की, ठीक है, जो मैंने आप लोग को कल दिया है ना, जो पीडीएफ दी है आप लोगों को, ठीक है, उसमें मैंने आप लोग को आर्टिकल्स दे रखे हुए हैं, तो उसमें से आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को। आप इसमें बोल रहा है कि यूएनसीआरपीडी में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 24 है ये बात करता है आपकी राइट टू एजुकेशन की, लिख लो सभी को, है ना, जो आर्टिकल नंबर 24 है। और आर्टिकल नंबर जो 40 है वो बात किसकी करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की, किसकी बात करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, आर्टिकल 42 बात करता है सिग्नेचर की, ठीक है, अब मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ठीक है, किसकी बात करता है सिग्नेचर की, और मतलब सिग्नेचर जो होने चाहिए वो सभी स्टेट्स जो भी हैं उनके द्वारा साइन होने चाहिए। और आर्टिकल 220 जो होता है वो पर्सनल मोबिलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, यहाँ पे पर्सनल मोबिलिटी की बात करता है। सिर्फ कीवर्ड ध्यान रखो, ज्यादा बहुत डिटेल में इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल नंबर 24 आपकी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट आ जाओ, सर्व शिक्षा अभियान अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्व शिक्षा अभियान ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को, कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को यहाँ पे अडॉप्ट किया है।
फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विद स्पेशल नीड द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हैज एज लेड डाउन इन सर्व शिक्षा अभियान वॉज बेस्ड अपॉन, जो मैंने पीडीएफ आप लोग को सेंड किया है वहां पे कीवर्ड में आप देखना कि मल्टी ऑप्शनल मॉडल लिखा होगा कि इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने कौन से मॉडल को यहाँ पे लिया है, तो अडॉप्ट किया है मल्टी ऑप्शनल मॉडल को अडॉप्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैव बीन सबस्यूम्ड इन समग्र शिक्षा। अब यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले ये जो क्वेश्चन आपने देखे हैं ये आपके यूनिट 10 के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो यूनिट 10 के थे, क्योंकि यूनिट 10 और यूनिट 2 थोड़ा सा मिक्स हो गया यहाँ पे। ये यूनिट 2 का है कि पूछ रहा है कौन सा इसमें से स्कीम है जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैव बीन सब्स्यूम्ड इन द समग्र शिक्षा, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी स्कीम है, तो कौन सी सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान है और टीचर एजुकेशन है, ठीक है। और क्या है, टीचर एजुकेशन है। तीनों के बारे में, तीनों का पीडीएफ में मैं कंटेंट आप लोग को दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, इवन आपके पेपर 1 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलपिंग ब्रांड एंड इनहेंसिंग मार्केटिंग इज इम्फेसाइज बाय, आप ब्रांड को डेवलप कर रहे हो, मार्केटिंग को इनहेंस करना चाहते हो, ये तो ये कौन सी थ्योरी में आता है, सिग्नल थ्योरी में आता है, और थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस में आता है, थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस में आता है, या फिर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में आता है। जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक ब्रांड को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड एक मतलब जैसे मान लो जैसे बाटा, ठीक है। बाटा क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है। आप अगर देखोगे चप्पल पे लिखा हुआ है आपकी बाटा, तो आप जान जाओगे ना, तो ये ब्रांड क्या कर रहा है, एज अ सिग्नल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्रांड ने अपने आप को डेवलप किया है कहीं ना कहीं, तभी बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, सिग्नल थ्योरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सिग्नल थ्योरी के अंदर आता है। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, इट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम, मतलब ये एक तरीके से पूरे सिस्टम को अगर आपको स्टडी करना है, सिस्टम प्लस उसके जो इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं उन सबको अगर आपको स्टडी करना है, तो आप सिस्टम एनालिसिस का यूज करते हो। ये एक तरीके से सॉल्विंग टेक्निक होती है जो इम्प्रूव करती है पूरे सिस्टम को, सिस्टम एज अ होल, पूरे सिस्टम को और उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको ये क्या करती है, यहाँ पे इम्प्रूव कराती है सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। वो क्या करती है, इम्प्रूव कराती है सिस्टम एनालिसिस। सिग्नल थ्योरी मैंने बता दिया, सिग्नल थ्योरी क्या होती है, सिग्नल थ्योरी के बाद फिर आता है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस में क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो रैशनली जो भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह उन्हें मिलती है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको ऑप्ट करते हैं, जो उनकी एक तरीके से रैशनल चॉइस कहने का मतलब क्या है, जो उनका मोटिव होता है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मेरे सामने अगर यूजीसी नेट का ऑप्शन दे रखा है, गवर्नमेंट का ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन दे रखा है, तो मैं क्या करूँगी, रैशनली उसको कैलकुलेट करूँगी कि किस वाले ऑप्शन को मुझे चूज करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उस ऑप्शन को मैं वहाँ पर चूज कर लूँगी, ठीक है। तो ये होता है रैशनल चॉइस थ्योरी, ये होता है रैशनल चॉइस थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या बोलता है, ये बोलता है जो एजुकेशन है वो हमारा कोई मतलब जो एजुकेशन है वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन को ये क्या बोलता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये बोलता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। क्लियर, क्लियर टू ऑल, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में इस चीज को बता दिया कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरीके से याद करके रखा हुआ है, ठीक है। पूरा प्रॉपर डेफिनेशन याद कर पाना, दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे ही छोटा छोटा मिला मिला करके अपनी डेली लाइफ से जोड़ जोड़ कर अगर चीजों को याद रखोगे तो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बजट आर, एक बजट के लिए एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, अपने आप से सोचो, अगर आप एक बजट को प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो एसेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे, क्या हो जाएंगे एसेंशियल कंपोनेंट, बिल्डिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपकी बिल्डिंग कैसी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये एसेंशियल कंपोनेंट होगा। या फिर कौन सी पॉलिसी, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, या फिर फीस और सैलरी आप कितनी दे रहे हो, नहीं, आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग एक बजट को प्रिपेयर करने के लिए कंपनी का जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट को यहाँ पे बनाते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू. राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको पता है, सबको. अब एग्जामिनर ने देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, ठीक है. राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको पता है, आर्टिकल 21A के अंदर आता है. सभी लोग भैया आराम से इसको टिक कर दोगे, इसको टिक कर दोगे, है ना. दो, अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन डाल दिए, एक डाला 2009, एक डाला 2002. और बहुत सारे बच्चे, बहुत मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारे बच्चे होंगे जल्दबाजी में फटाफट से देखेंगे उसे टिक करके चले आएंगे और बाद में रियलाइज होगा नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी आर्टिकल 21A है. लेकिन हम लोग की जैसे आदत होती है कि हम लोग पूरा पढ़ते ही नहीं है, फटाफट से एक नजर में देखा बट करके चले आए. तो ये चीज ध्यान रखना, जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो आर्टिकल कौन से में आई थी, 21A ऑफ 2002 एक्ट में आई थी. इसमें आई थी, 2 एक्ट में आई थी, ठीक है. पता सभी को होगा बट वहां पे गलत हो जाता है, ठीक है. जहाँ पे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी. कौन सा अमेंडमेंट था यहाँ पे, 86 अमेंडमेंट, ठीक है. कौन सा अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 2022 में. अब कुछ और आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो देखो आर्टिकल्स में इसीलिए कराए दे रही हूँ कि जिन लोगों जिन बच्चों के पास अगर वो पीडीएफ नहीं मिली है उनको, तो आप लोग आर्टिकल्स यहाँ से कर पाओ अपने. आर्टिकल 45 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसमें आता है, ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 45 अंडर द पार्ट 5 पार्ट 4 है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट. पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट वो कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all the children until they complete the age. तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये कौन से पार्ट में आता है, तो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है, ठीक है. आर्टिकल 21 जो हो गया आपका, है ना, आर्टिकल 21 हो गया ना. नेक्स्ट आ जाओ. अच्छा 21B, नेक्स्ट है आपका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ. अब डाइट का रिकमेंडेशन किसने किया था, डाइट को रिकमेंड किसने किया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में. किसने किया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में किया था, ठीक. जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन है, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द स्कूल, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द स्कूल, ये कौन से कमीशन ने इसको बोला था, यशपाल कमेटी ने बोला था, ठीक है. यशपाल कमेटी ने इसको बोला था, हमें क्या करना है यहाँ पे, जो बर्डन है स्कूल का, ठीक है. इनकी रिपोर्ट थी ये, ठीक है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, वो किस में आता है आपका, यशपाल कमेटी में आता है, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है जो है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, अभी हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी देखा ना, अब वो बताना है कि किस चीज पे एम्फेसाइज करता है. तो कौन कौन सी चीजों पे एम्फेसाइज करता है, स्टाफ को मोटिवेट करने पे, है ना. इन्वेस्टमेंट ऑन द एजुकेशन, ये कहता है एजुकेशन में इन्वेस्ट करो क्योंकि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. इन सर्विस जो होती है एजुकेशन ऑफ द स्टाफ के लिए, ठीक है. तो बी सी डी शुड बी द राइट हेयर, ठीक है. यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं आता है, ध्यान रखना, और सिक्योरिटी भी नहीं आता है, ठीक है, सिक्योरिटी भी नहीं आता है. नेक्स्ट ऑफ, While preparing a budget, which of the following points are considered to be the mandatory? जब भी आप budget को plan कर रहे हो, उस दौरान कौन से ऐसे point हैं जो जरूरी हो जाते हैं? एक budget को बनाने के लिए कौन से ऐसे point हो सकते हैं? अपने दिमाग से सोचो, एक budget को अगर आप बना रहे हो, तो कौन से ऐसे point हो जाते हैं जो mandatory हो जाते हैं? पहली चीज revenue, ठीक है, क्या रेवेन्यू है, निकल के आ रहा है ना. दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टीट्यूशन का. तीसरी चीज एक्सपेंडिचर. अब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. हो सकता है लैंग्वेज को बदल दे, बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर एक बजट को आपको प्लान करना है तो रेवेन्यू क्या है, क्या निकल के आ रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है, ठीक है. तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट है. राइट, समझ में आया, ये चीज समझ में आई. अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन यूनिट 8 के क्वेश्चन. अभी हम लोगों ने कौन सी यूनिट के देखे, हम लोग एक सेकेंड, हम लोगों ने यूनिट 4 के क्वेश्चंस को देखे, यूनिट 2 के क्वेश्चंस को देखे,
यूनिट 10 के क्वेश्चंस को देखिए, यूनिट 10 के और भी क्वेश्चन है बट वो दूसरी स्लाइड में है। अब हम लोग यूनिट 8 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जो यूनिट 8 है आपका टेक्नोलॉजी, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये यूनिट 8 के क्वेश्चंस हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कम अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव, सभी को पता होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बट मेरा ये मकसद था इस क्वेश्चन को लाने का कि मैं कुछ और चीजें आपको बता पाऊं। इंडियन इनिशिएटिव के अंदर की बात करेंगे तो ई ज्ञान कोश, ठीक है। क्या आपका ई ज्ञान कोश? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है आपके। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर द टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल, ठीक है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है आपके, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं जो किसी भी मीडियम से आपको मिलते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर अदरवाइज कोई भी हो सकते हैं, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। अभी जैसे ये मैं आपको जो ये पढ़ा रही हूँ ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जो भी मटेरियल वगैरह मैं प्रोवाइड करूँ आपको ऑनलाइन, तो ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। कभी भी एनी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, उन मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और फ्रीली और अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। तो ई ज्ञान कोश क्या है आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, बट इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ई ज्ञान कोश क्या है आपका, एक नेशनल रिपोजिट्री है। ये क्या है, एक नेशनल नेशनल रिपोजिटरी है जहाँ पे आप क्या करते हो, स्टोर करते हो डिजिटल लर्निंग, ठीक है। जो भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हैं, DLR DLR होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो ई ज्ञान कोश क्या है, एक नेशनल रिपोजिटरी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और ये इसका ई ज्ञान कोश को जो भी राइट वगैरह है वो सब किसके पास है, इग्नू के पास है आपके। कोर्सेरा कहाँ का है, कोर्सेरा ये आपसे पूछे जाते हैं, कोर्सेरा कहाँ से, अमेरिकन, ठीक है, कहाँ का है, अमेरिकन। और ये एक मूक है, ठीक है, ये क्या है, एक मूक है, ये भी एक मूक है कोर्सेरा भी, जो कहाँ का है, अमेरिकन का है आपका। और ये जो EDS है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी लिख लो इसका, एकोल, थोड़ा सा इसका नाम मुझे भी नहीं याद है सही से, डॉक्टोरल, डॉक्ट्रेल, डॉक्ट्रेल, हाँ सॉरी, डॉक्ट्रेल डेस, एक बार आप लोग चेक कर लेना प्लीज। साइंसेस डी कुछ एनवायरमेंट करके है, ठीक है, एक बार प्लीज आप इसे चेक कर लेना। ये कहाँ का है आपका, फ्रेंच का है, ठीक है, ये कहाँ का है, फ्रेंच का, ये अमेरिकन है, ये इंडिया का है आपका। ओपन स्टैक्स कहाँ का है, ओपन स्टैक कहाँ का है, यूएस का है, ठीक है, कहाँ का है, यूएस का है। तो कोर्सेरा कहाँ का हो गया, अमेरिका का हो गया आपका, ई ज्ञान कोश आपका इंडिया का हो गया, एडसे कहाँ का हो गया, फ्रेंच का हो गया, ये आपका यूएस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन विच द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज कॉल्ड, परीक्षान्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और उसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या किया जाता है, इसे कहा जाता है वेब क्वेस्ट। कहा किया जाता है, इसको वेब क्वेस्ट बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको वेब क्वेस्ट बोला जाता है। मतलब एक जब भी इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है जहां पे आपको इंटरनेट से रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसको आप क्या करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और उसे अच्छे से बताने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वहां पे सप्लीमेंट करके आप कॉन्फ्रेंस करते हो, तो ये वेब क्वेस्ट के अंदर आता है। जहां पे आप डेटा तो इंटरनेट के थ्रू ही प्रेजेंट करते हो यहां पे, तो ये आपका किसके अंदर आता है, वेब क्वेस्ट के अंदर आता है, ठीक है, किसके अंदर आता है, वेब क्वेस्ट के अंदर आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जैसे लाइव वीडियो सेशन जो होते हैं, है ना, वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आते हैं। वेब क्वेस्ट क्या है, वेब क्वेस्ट होता क्या है, बेसिकली वेब क्वेस्ट एक इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फॉर्मेट है, क्या है, इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फॉर्मेट है, ठीक है, लिख लो इसको थोड़ा सा, इन विच मोस्ट और ऑल
द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम वेब, ठीक है, तो ये इसलिए इसको वेब क्वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, डिवाइसेज हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। वर्चुअल लर्निंग क्या होती है, मतलब जहाँ पे आप क्या करते हो कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू पढ़ते हो, वो सारी चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस इज ऑल्सो, मतलब इसे ब्रिंग योर ओन डिवाइस को ही हम लोग बोलते हैं ब्रिंग योर ओन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लाइक आपका सेलफोन हो गया, आपका जो भी पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिवाइसेस होती हैं उसको आप क्या करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हो, वो आपके ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट WBL स्टैंड फॉर वेब बेस्ड लर्निंग, वेरी इजी। नेक्स्ट ऑफ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग अलाउज द यूजर, अब ये जो क्रिएटिव कॉमन है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसके लिए प्लीज आप लोग एक बार सेशन को रेफर करिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इतना बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव कॉमन होता है, लाइसेंसिंग होती है, वो क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, यूजर मतलब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, रिमिक्स करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंसिंग होती है, मतलब अगर आपको क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस मिल गया है तो आप क्या कर पाओगे, एक यूजर क्या कर सकता है, अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस उसे मिल सकता है तो उसे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता है, उसको रिमिक्स कर सकता है, ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, रिमेम्बर नहीं आता है, ठीक है, ABD कहाँ है, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जाम्पलीफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीनियर प्रोग्राम स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आपका जो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पे ब्रांचिंग है आपका और क्या बोलते हैं उसको मैथेटिक है, ये सारी प्रोग्रामिंग आती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होता है, मतलब छोटे छोटे फ्रेम से हम क्वेश्चन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से फ्रेम्स में प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, लर्नर ने एक फ्रेम को सॉल्व किया, दूसरे पे पहुंच गया, दूसरे को सॉल्व किया, तीसरे पे पहुंच गया। तीसरी चीज इमीडिएसी फीडबैक मिल जाता है, मतलब जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो अगर सही हुआ तो ग्रीन आ जाता है, अगर गलत हुआ तो रेड आ जाता है, तो ऐसा, ठीक है, तो ए सी ई शुड बी द राइट हियर। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉम्प्ट और रिलीज किसमें करते हैं, मैथमेटिक में करते हैं, किसमें करते हैं, मैथमेटिक में करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। द इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, किसकी इम्प्लीकेशन की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की इम्प्लीकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में रिफ्लेक्टेड थ्रू, मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन के जो रिफ्लेक्शन है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में वो कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। तो दिमाग में सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो पहली चीज, इंस्ट्रक्शन डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम रिलेटेड, जो भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन दो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में हम ये चीज बोलते हैं कि कोई चीज मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, दूसरी चीज पे आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रॉम्प्ट पार्टिसिपेटरी, यस, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पार्टिसिपेटरी को प्रमोट किया जाए, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस होती है उसको अप्रोच प्रमोट किया जा सके और मीनिंगफुल लर्निंग कराई जा सके, मीनिंग गिविंग प्रोसेस के यहाँ पे यूज किया जाए। दैट मीन्स बी तो होगा फॉर श्योर, ठीक है, बी होगा, इस ऑप्शन को हटा दो, ए वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, बचा क्या आपके पास, ये। तो इस तरीके के अप्रोच को, सारे क्वेश्चंस को ना पढ़ के, सारे ऑप्शन को ना पढ़ के आप ऐसे भी कर सकते हो। डी क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, यस, ठीक है, प्रोएक्टिव मूव्स होने चाहिए, चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्पेसिफिक, ठीक है, जिससे लर्निंग आउटकम्स को हम मेजर कर पाए एक्यूरेटली, ये तो इसके अंदर नहीं आता ना। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो होने चाहिए वो कॉग्निटिव को ना प्रमोट करे रेदर देन मेटाकॉग्निटिव, क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में आता है, नहीं आता है ना, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिट 8 का जब मैंने डिटेल में सेशन कराया था तो वहां पे मैंने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों से बात की थी, है ना, वहाँ पे मैंने जैसे नेटिव है, हाइब्रिड है, इन सारे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। तीन तरीके के मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका नेटिव, दूसरा होता है हाइब्रिड, तीसरा होता है आपका वेब, समझ रहे हो, तीसरा होता है वेब, बस यहाँ पे एलिमिनेट कर दो नेटिव हाइब्रिड,
ठीक है, वेब क्या हो जाएगा आपका, मोबाइल वेब, ठीक है। तो ए बी सी है ऑप्शन में, ये रहा कहाँ गया, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, समझ में आया। अब अच्छा चलो, यहाँ पे नेटिव और हाइब्रिड और वेब क्या होता है। नेटिव मोबाइल एप्स कहने का मतलब क्या है, नेटिव मतलब कहने का मतलब है कि टू वन प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज एप्पल आईओएस हो सकता है, गूगल का जो एंड्रॉइड हो सकता है, विंडोज फोन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका नेटवर्क, मतलब को एक प्लेटफॉर्म है उसका। हाइब्रिड में क्या होता है, दीज ऐप कैन बी इंस्टॉल ऑन डिवाइसेस जस्ट लाइक नेटिव ऐप, मतलब ये हाइब्रिड जो मोबाइल ऐप होते हैं, जैसे नेटिव ऐप होते हैं, उसी की तरह हम इनको भी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू भी रन करा सकते हैं, ठीक है, उसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू भी रन करा सकते हैं, लाइक आपकी जो HTML की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह होती है, वो सारी चीजें। वेब क्या होती है, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी आपकी वेब एप्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने कितने यूनिट का देख लिया, यूनिट एट देख लिया, यूनिट एट में इतने क्वेश्चन है आपके, ठीक है, यूनिट एट कंप्लीट देख लिया 2020 आपका, ठीक है, यूनिट फोर 2020 कंप्लीट देख लिया है, और यूनिट टू का भी 2020 कंप्लीट देख लिया है। यूनिट टेन के क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, वो और भी क्वेश्चन है। अब हमारे पास 2020 का यूनिट 10 रह जाता है, यूनिट 9 रह जाता है, ठीक है, यूनिट 3 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, और 1 है आपका, है ना, और कौन सा रह जाता है, यूनिट 9, 10, 7, 6 भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 6 भी हमें नहीं करना है, ठीक है, और 5 रह जाता है। 4 यूनिट के और क्वेश्चंस हैं, तो एक सेशन और लगेगा, और उसमें हमारे 2020 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2020 के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, 2020 के। समझ में आई बात, तो एक सेशन कल और होगा आपका, जिसमें 2020 का हम लोग जितना भी बचे हुए यूनिट है, यूनिट 9 है, यूनिट 5 के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यूनिट 10 के भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, तो उसको हम वहां पे कवर कर लेंगे। यूनिट 6 को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यूनिट 3 भी हम ऑलरेडी अलग से सेपरेट यूनिट वाइज कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी कल रात में ही मैं अपलोड कर पाऊंगी, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं अपलोड हो पाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, बिकॉज मैंने कल से आप लोग को इनवोमेंट के क्वेश्चंस वहां पे देना स्टार्ट किया है, ठीक है, पेपर वन के कुछ MCQs वगैरह भी काफी सारे वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। एंड एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, व्यूज तो आ जाते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को, ठीक है, तो एक चीज प्लीज, अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस, ये कंटेंट आपको हेल्प कर पा रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। एक लाइक करने से क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो बच्चों को समझ में आ रही है, मतलब मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, ऐसा नहीं कि वेस्ट हो रही है, तो इसलिए आप लोग प्लीज इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, है ना, तो प्लीज ये चीज करिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी वीडियोज को लाइक शेयर सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, विल सी यू टुमारो, राइट, गुड नाइट।